सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा कहाँ से आओ जी आप? महाराष्ट्र से। अच्छा क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मचिंदर भाई। अच्छा ये तो भाई आपने तो काफी बछड़े काफी अच्छे हैं। अरे यार कैसा है, हम इधर से खरीद कर उधर महाराष्ट्र लेके जाते हैं, व्यापार करते हैं हम। अच्छा ओ किस पर्पज से खरीदे भाई ये? देखो एक 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 किसान से खरीदा है, एक एक बच्चा। नहीं नहीं ये क्या किस पर्पज से खरीदे हैं आपने ये बच्चे, क्या काम आते हैं वहाँ? वहाँ तो उधर बैल के साथ भागते हैं ना। अच्छा अच्छा बैल के साथ तो छोटे से बड़े से छोटे से बड़े करते हैं ये शेतकरी लोग, पूरा बहुत खिलाते हैं उनको, उनकी हाउस होती है। जब ये बच्चा उधर भागा ज्यादा तो भागते बहुत बैल के साथ, तो इनकी कीमत होती है 5 लाख 6 लाख 10 लाख तक। खिलाते हैं अपने बच्चे के जान से, बहुत खिलाते हैं उसको, बादाम खिलाते हैं, काजू खिलाते हैं, उसके बाद में तैयार करवाते हैं। हाँ तैयार कराते हैं, फिर वो बैल के साथ भागते हैं, लेकिन उधर नाम कमाते बहुत है बच्चे। अच्छा तो ये तो काफी है ना, मेला क्या कैसा अच्छा है क्या मेला? बहुत बढ़िया माले मेला है, हर देश का हर एक राज्य का आदमी आता है इधर। बहुत अच्छा मेला तो इस बार तो ये कितने खरीदे आपने ये? देखो अभी तो ये 25 बच्चे खरीदे अभी, लिए हुए आजू-बाजू में। अच्छा आजू-बाजू में लिए हुए, अभी जो गाड़ी भरने का टाइम आ जाएगा तो हम तुरंत उसको लेके आएंगे। अच्छा हाँ तो ये तो आप बेचने का भी तो काम करते हो? हाँ तो खरीद और बेचने का काम करते हैं। अगर कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करे खरीदने के लिए हाँ, तो आप दे सकते हो? दे सकते हो फिर। अच्छा। अपना खरीदना और बेचने का काम है। अच्छा हम इधर से लेके जाते हैं और उधर बेचते हैं। तो बताओ ना ये बच्चों की खासियत बताओ ना। देखो ये खासियत ये देखो, ये मारवाड़ मिक्स है, देखो कान खनोड़ एक बिल्कुल आंकड़ा बिल्कुल सही है उसका, देखो पूरे कान में कान जुलता है देखो। और ये मिक्स है। अच्छा ये काठियावाड़ मिक्स बोलते हैं इसको। और वो देखो ये जात वाला और वो जात वाला बिल्कुल एक ही जात का है, इनकी कान कोने एक ही जात का है, पूरा मुंह सफेद है, देवमन बाल और चारों पांव सफेद है उसके, इसको पंच कल्याण बोलते हैं, पंच कल्याण बोलते हैं इसको, काला टीका बोलते हैं पूरा काला। ये इसमें सिंधी जात में सिंधी जात का है, ये भी पूरा काला टिक्का, ये जो शौकीन आदमी आता है उसको लेके जाता है रखने के लिए। अच्छा उधर से उधर वाले तो दौड़ने के लिए तो कोई स्पेशल ब्रीड का चाहिए? दौड़ने के लिए कैसा है भाई जी, जो जितना खिलाएंगे उतना दौड़ेगा बच्चा, जितना खिलाएंगे उतना दौड़ेगा। जैसे कि पहलवान होता है, जितना खाएगा पहलवान उतना ज़्यादा बनेगा, वैसा है जितना बच्चा खाएगा जितना भारी बनेगा उतना भागेगा बच्चा। ये वाला सिंधी जात का है, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया है, ये भागने में बहुत एक्सपर्ट है। हाँ पंजाब सिंधी बोलते हैं इसको, बड़े कान का। तो कितने तक सेल करोगे ये वाले? अभी देखो गरम बच्चा बहुत है, देखो कैसा सेल करने पे कैसा होता है, कोई किसी की कोई 25 का मांगता है, कोई 20 का मांगता है, कोई 50 का भी लेता है, ये तो एक कस्टमर नहीं आता है, ये तो हर एक प्रकार का कस्टमर। अभी देखो बिनती मंडी भरा है, तो किसी को 5 का चाहिए तो किसी को 5 लाख का चाहिए, तो हर एक प्रकार का कस्टमर नहीं आता ना। अभी ये देखो ये कम से 50 का पकड़ो, वो पकड़ो 25 का, या ऐसा होता है, छोटा बड़ी साइज होती है। अच्छा 25-50 के आसपास। हाँ पड़ हर प्रकार का बच्चा लिया हुआ है हमने। जैसे हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं तो वो आपसे जैसे डिमांड करते हैं कि भाई ये कितने तक दोगे? हाँ तो आप थोड़ा आइडिया बता दो हमारे को, तो आपसे संपर्क भी तो कर सकते हैं। अभी ये देखो इसका 65,000 रुपये कीमत बताया हमने। अच्छा 65,000 रुपये हमारे उधर हमारे महाराष्ट्र में इसका 65,000 कीमत बताया, तो हम कम ज़्यादा करके उनको दे देते हैं। अच्छा 40-45 तक ले लेते हैं। हाँ उधर वाला ये जाता है 35,000 को। अच्छा 35,000। हाँ बड़ा उससे तो फाइनल बड़ा है, लेकिन ये खून वाला बच्चा है। अच्छा ये वाला और इधर वाले भी आपके हैं सारे? बाकी सब आपने हैं। अच्छा अच्छा कम से कम कितने तक के हैं आपके पास? आपने हमारे यहाँ 15 से लेकर 50 तक। बहुत बढ़िया 15 से लेकर 50 तक, 60 तक, 70 तक। अच्छा अभी देखो लाइन के बच्चे
अगर वो बच्चा उधर का ये वाला वो छोटा नीचे बैठा हुआ है, अगर वो और ऐसा जो कान कोरोट में बच्चा होता है वो जो लाइन में बांधा जाए तो उसकी कीमत बढ़िया हो सकती है, 1.5 लाख 2 लाख। अच्छा अच्छा, अभी देखो आप उन टेंट में बांधे हुए, अच्छा टेंट में बांधे हुए बच्चे और उधर, हाँ और नहीं नहीं वो जो टेंट में बांधे हुए बच्चे तो उनकी कीमत, वो लाइन का ही बच्चा होता है, ये भी हमारे खरीदे उसमें भी लाइन का है, लेकिन उनकी कीमत इससे ज्यादा है, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख ऐसी कीमत बताता है। इसमें इधर इसमें जो आपको जो स्पेशल जो आप पर्पज के लिए खरीद रहे हो ना, और स्पेशल पर्पज के लिए आपको चीज, जैसे कि आप दौड़ने के लिए बता रहे हो वहाँ पे कोई कंपटीशन होता है वहाँ पे दौड़ने के लिए, तो एक स्पेशल जो भागने वाले चाहिए, पहले तो आप खिलाने पिलाने तो वो तो पहले दूसरी बात है, पहले तो आप इसकी ब्रीड वगैरह देखोगे, अच्छा देखोगे कि दौड़ने वाला देखोगे, वो तो सब अभी जो खरीदने वाला है उनको कैसा नस्ल देखते है, कौन सा पसंद गिरता है, उनको जो ये पसंद आ गए तो ये खरीद लेते हैं। उधर हमारे इधर महाराष्ट्र में बच्चे बिल्कुल प्यारे हैं आपके पास में, जो भी देख रहा हूँ मैं बहुत अच्छे खूबसूरत बच्चे, और वो जो खून वाले बोले तो अच्छे खाए हुए पिए हुए बच्चे, इनको खिलाएं पिलाएं तो ये जो ब्लड लाइन वाले बच्चे हैं वैसे हैं या मतलब कोई मिक्स ब्रीड के? नहीं नहीं, ये ब्लड लाइन के बच्चे हैं, लेकिन हम कभी उधर बोलते नहीं ब्लड लाइन के। अच्छा, हाँ हमारे उधर 1.5-2 लाख रुपए कोई देते नहीं, ये बच्चे के कोई देगा नहीं, 1.5 लाख रुपए 2 लाख देते नहीं। अच्छा, ये क्या है 25,000 तक, ज्यादा तो ज्यादा 20-25,000 तक बच्चा जाएगा, 20,000 तक चल जाएगा। हाँ हाँ 20-25,000 तक जाएगा। और उधर वाले सारे बच्चे आते हैं सारे ये सब मेरे वो ये बच्चे, ये जो काले दिख रहे हैं उधर भी, हाँ वो वाले ये पूरे बच्चे हमारे। अच्छा, तो इसके अंदर आप मतलब कितने हैं आपके पास में अभी? मेरे पास अभी 30 बच्चे बंधे हुए, 30 बच्चे हाँ, बंधे हुए हैं, और दूसरे टेंट में है उधर 20 बच्चे बंधे हुए, 20 बच्चे तो 45 हैं आपके पास टोटल। हाँ, आप भी खड़े हुए हाँ, और लेने की गुंजाइश है? अच्छा, और लेने की गुंजाइश है हाँ। तो इस मेले में जैसे आपने अच्छे खरीदारी करी है तो मेला इस पर्पज से कैसा है ये खरीदने? ये तो बहुत बढ़िया बच्चा है, देखो इधर से लेके जाके और महाराष्ट्र को बेचने को बढ़िया मेला है। तो इसमें इतने अच्छे और सस्ते बच्चे कैसे मिल जाते हैं? ये कैसा है जो अभी समझो, अभी मैंने ये 20 तक 25,000 बोला, जो अपने को पड़ेगा अभी 15 को मिल गया तो हम ले लेते हैं, अपने को मालूम है उधर 20,000 बेचता है बच्चा तो हम ले लेते हैं उसको। अच्छा, अगर उधर लेके ये 15 को लेके और 15 को बेचने का तो इतना दूर आके कोई उसका मकसद नहीं होता ना, तो हम इधर इसको 15 को खरीदेंगे तो उधर 20,000 को बेचेंगे। अच्छा अच्छा, मार्जिन ज्यादा नहीं रखोगे? मार्जिन ज्यादा नहीं रखोगे, 2-3 हज़ार रुपये मिलते हैं, 2,000 रुपये ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, अगर 30 बच्चे में 60,000 मिल जाए तो किसके हो? किराया भाड़ा निकाल के? हाँ, किराया भाड़ा निकाल के। अच्छा, और कौन कौन से मेले कवर करते हो आप? ये इधर करते हैं, अब अजमेर को जाते हैं, और इधर जाते हो क्या आपका नाम है, काठियावाड़ को जाते हैं, पूरे बोले तो जितना जिधर जिधर मेला भरता है, मालोत्रा में, जैसे मालोत्रा में इधर ही भरता है ना, मालोत्रा राजस्थान में भरता है, तो उधर जाते हो? हाँ, फिर अच्छा, हम घूमते भी बहुत है राजस्थान में, जितने खेड़े होते हैं गुजरात में, जितने खेड़े होते हैं उतने हुए एक एक बच्चा गोला करके एक ऐसे ही गोला करते हैं हम। अच्छा, एक खटा लाके फिर आप गाड़ी भरते हैं। अच्छा, तो आप से कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे तो आप हर मेले में मिलते हो या आपकी कोई जगह पार्टिकुलर जगह भी है? नहीं, मेरा इधर महाराष्ट्र में हर एक खेड़े पे मेरा जो मैं जितना घूमता हूँ उतना मेरा कॉन्टेक्ट है, अगर जिसके पास 10 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे हमको फ़ोन कर देते, भैया मेरे पास 6 बच्चे इधर राजस्थान में हो, गुजरात में हो, बालोतरा में हो, उधर कॉन्टेक्ट हो जाता है हमारा। अच्छा, मेरे पिताजी से मेरे आजूबाजू से ये धंधा करते हैं हम। अच्छा, शुरू से? हाँ, शुरू से यही है हमारा लेन देन का काम है। अच्छा, घोड़ों का बच्चों एक का ही है? हाँ, छोटे बच्चों का है, बड़ों का भी है? हाँ, बड़ों का भी। बड़ों का भी है? हाँ, बड़ों का भी। हमारे उधर भी बहुत बड़े बड़े खासियत के घोड़े आते हैं। अच्छा, बहुत बड़े बड़े घोड़े देते हैं हम उधर हमारे महाराष्ट्र में। अच्छा, तो जैसे आपको तो काफ़ी टाइम हो गया ना, हाँ, इसके अंदर आपको कौन सा घोड़ा अच्छा लगता है, आपकी पसंद का घोड़ा कौन सा रहता है? मेरे को तो इसी घोड़े में ये वाला पसंद है। अच्छा, ये बच्चा ज़्यादा गर्म भी है और खासियत बच्चे में बहुत है। अच्छा, ये वाला एक नंबर वाला ये देखो, इसकी पसंद का घोड़ा कुत्ते पे मारा जाए तो लगे तो उड़ी मार देता है। अच्छा, हाँ, उस पर हम समझते हैं कि साला ये बच्चा गर्म बच्चा है, भागने वाला है, दौड़ने वाला, एक्टिव बच्चा है। और ये देखो, और वो एक नंबर वाला, वो एक नंबर वाला, वो तो बहुत बहुत। और ये वाला बच्चा भी लाल पचकाले बोलते इसको, हाँ, इसको लाल पचकाले बोलते हैं। अच्छा, हमारे इधर इसकी बहुत पसंद थी। इसको आपने एक्टिव करा, वो एक्टिव हो गया? हाँ, इसका मतलब वो और ज्यादा एक्टिव। हाँ, वो ये भी एक्टिव हो गया और वो भी एक्टिव हो गया। कैसा है, जो बच्चा जो हाथ लगाते ही भागते है तो वो ज्यादा गर्म होता है बच्चा। हाँ,
एक्टिव ज्यादा होता है। शॉर्ट में बता दिया आपने ना। हाँ हाँ अनजान आदमी को परखने का। हाँ बस बस कोई अनजान होगा तो खूबसूरती और बच्चा ऐसा करने से उसकी खूबसूरती उसका जो देखने की नज़र होती है बच्चों की वो लगे बच्चा भागने वाला है क्या नहीं है वो तुरंत पहचान जाता है। हाँ और एक नंबर वाला भी बच्चा अच्छा खासियत में है देखो खान कनौट वाला खूबसूरती और वो लंबा लंबा चौड़ा और बनावट उसकी वाली एक नंबर है। अच्छा तो इधर कस्टमर ने बहुत बार मांगा हो इधर इधर लेकिन हमने दिया नहीं उसको। अच्छा वही बेचोगे आप? वही बेचेंगे हम महाराष्ट्र में। अच्छी कीमत मिल जाएगी? हाँ कीमत मिल जाएगी। अच्छा 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 तो आपका नाम क्या जी पूरा नाम? मेरा नाम मच्छिंदर मुरलीधर साळुंखे। हाँ एड्रेस क्या है? एड्रेस क्या? एड्रेस नासिक। नासिक में सायखेड़ा गाँव है। अच्छा नासिक से 25 किलोमीटर आगे। हाँ आपके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है जी? 9764619922। एक बार फिर से बता दो। 9764619922। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है ठीक है। मैं तो ये देखो जितनी खासियत उतने तो बोलते जाएंगे क्योंकि आप अच्छी लेवल दिया आपने। और घोड़ा का जो कलेक्शन है आपके पास में हाँ और जो छोटे बच्चे हैं वो डिमांड करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे क्वान्टिटी के अंदर है आपके पास? हाँ हाँ जो चाहे उस हिसाब से आपके पास में है सब बच्चे। हर एक प्रकार का बच्चा है मेरे पास। हर किस्म का बच्चा है। जो कस्टमर नाराज नहीं होके जाएंगे हमारे से। अगर बच्चा उसको चाहिए मिक्स वाला तो काले वाला है सिंधी जात का। अगर उसको कान कनौट का चाहिए मारवाड़ का वो भी है। अच्छा। और पंजाब मिक्स चाहिए तो वो भी है। मतलब खरीदने के पर्पज से आपके पास में अगर कोई बंदा आए तो वो खाली हाथ तो नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, हमारे से लेके ही जाएगा। लेके ही जाएगा क्योंकि हर वैरायटी और हर प्रकार के है। हाँ वैरायटी हर प्रकार की वैरायटी हमारे पास। अच्छा तो जैसे जो पालना चाहता है तो छोटे बच्चों से शुरुआत अच्छी रहती है या घोड़े से या घोड़ी से? कैसा है हर एक की पसंद होती है। आप एक एक शेतकरी बोलता है अगर मेरे को छोटे से बड़ा करने का है तो वो छोटा लेगा। अगर जिसको बहुत गाय लेने की वो बोलेगा मेरे को लेके बैल के साथ भागने का तो वो लेगा ही। अच्छा हाँ और ये भी बहुत बढ़िया बच्चा हुआ उसी का भाई है ये वाला वो ये वाला उसी का बच्चा है। हाँ भाई है। हाँ नमस्कार जी। ठीक है ठीक धन्यवाद आपका। ओ आप इतना हमारा इधर उधर बता दो क्योंकि वो भी आ जाएंगे हमारे कांटेक्ट कर जाएंगे तुम्हारे राज्य में भी हमारा नाम इधर उधर हो जाएगा बोलेगा ऐसा फैल जाएगा फोन आ जाएंगे। अच्छा ऑल इंडिया के अंदर से आपका जो फेवरेट मेला या जगह कौन सी है घोड़े खरीदने के साथ? घोड़े खरीदने के हिसाब से नहीं हम मेरे हिसाब से हमारे हिसाब से तो बस ये मंडी अच्छी है। ये मंडी अच्छी हाँ है ना? अच्छा कोई खरीदो उसको मुनाफा होता है। अच्छा हाँ कोई खरीदो। अच्छा तो यहाँ पे सस्ते क्यों मिल जाते हैं यहाँ पे? ये तो राजस्थान में घोड़े का बोले तो इधर अपन बोलते को खान जो बोले तो सबके पास है घोड़ा। हर किसान के पास घोड़ा है राजस्थान एरिया में काठियावाड़ एरिया राजस्थान एरिया में और गुजरात एरिया में ये घोड़े की खान बोलते हैं इसको। अच्छा हाँ तो करके हमारे इधर ये बच्चा इधर सस्ता मिलता है। अच्छा हाँ ये भाई ये खासियत है इधर राजस्थान में। किसानों के मिल जाते हैं यहाँ पे ना? हाँ किसानों के क्वालिटी में कैसे मिलते हैं यहाँ पे? क्वालिटी में बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया। ये देखो ये पूरे बच्चे अभी किसान के ही ये देखो इनका खासियत इनको पूरा बनाया हुआ है बनावट इनका ये बनावट है वाला ये बनावट वाला है इनको भी पूरा खाए हुए बोले तो तगड़ा है। दूध पिए हुए दूध पिए हैं बच्चे। हाँ अच्छा सब खासियत वाले बच्चे। तो धन्यवाद जी आपका।